जोहार झारखंड, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। दुमका सरैया हाट हंसडीहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ख्रिस्त राजा मिशन विद्यालय जिया जोर का एक विद्यार्थी सेमेस्टर मुर्मू उम्र 7 वर्ष का शव कुएं से 5 दिन बाद मिला। मिशन के फादर की लापरवाही और हॉस्टल में पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण हॉस्टल के बच्चे कुएं में जाकर स्नान करते थे। स्नान करने के क्रम में बच्चा पानी के अंदर गया और 5 दिन बाद लाश मिली। सूचना मिलने पर हंसडीहा थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार पांडे अपने दल बल के साथ शव को अपने कब्जे में लेकर हंसडीहा थाना लेकर गए। दुमका सरैया हाट से सुरेश प्रसाद का रिपोर्ट, धन्यवाद। और ये बच्चे क्या मिशन के हैं? हाँ। किस क्लास के बच्चे हैं सर? LKG। तो सर बच्चे का लाश कुआं में कैसे मिला? नहाने गया था सर। तो आप लोगों को सूचना कब पता चला? वो तो आज मालूम हो रहा है। ये तो लग रहा है कि 5-6 दिन पहले कुआं में डूबा हुआ है। 5 दिन नहीं, 2 दिन पहले। ये 2 दिन का लाश कुआं में है। बच्चे का नाम क्या है? सेबास्टियन मुर्मू। कौन गांव के हैं, कहाँ के हैं? 12 गांव के। कौन थाना पड़ता है उसका? झटका 12। इनके पिताजी का नाम क्या हुआ? तो इसका भी मालूम नहीं है, देखना होगा। यानी कि आप लोगों को सूचना आज सुबह मिला कि बच्चे का लाश कुआं पड़ा हुआ, वो मिशन का बच्चा है? हाँ जी। आप कौन है मिशन के? मैं यहाँ का फादर इंचार्ज। क्या नाम हुआ आपका? फादर सिल्वरेश खजूर। गंभीर समस्या है। ठीक है सर। कई वर्षों से यहाँ पे जो है मिशन में पानी का व्यवस्था नहीं है, ना ही बाथरूम की व्यवस्था, जिसके परिणाम स्वरूप आज बच्चे कुआं में पड़ा हुआ है। और ये जो व्यवस्था है इसके ऊपर बहुत बड़ी समस्या खड़ा करती है, क्योंकि यहाँ पे जो हॉस्टल का जो समस्या है इसके लिए एक वार्डन होना चाहिए, जो वो जो यहाँ पे है नहीं। साथ में यहाँ जितना समस्या होना चाहिए समस्या से यहाँ परिपूर्ण है, और उतना गार्जियन को एक्टिव है नहीं जो इस बात को खड़ा कर सके पहले। लेकिन आज तक बहुत दिन से कोई ग्रामीण भी समस्या नहीं उठाया था, जिसके कारण आज बच्चे कुएं की लाश में मिली पहले। तो ये बच्चे कहाँ मिशन के हैं? ये बच्चे हमको उतनी तरीके से मालूम नहीं, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि ये बच्चे मिशन की है। अच्छा, कौन गांव के हैं बच्चे, पता है? ये गांव का तो हमको मालूम नहीं, लेकिन ये इसमें कितना गंभीर समस्या है कि मतलब फादर को पता नहीं कि कब लाश गिरी है और कहाँ गए बच्चे, तो इसमें स्कूल का लापरवाही साफ झलकता है फिर। अच्छा, लग रहा है कि बच्चा तो 2-4 दिन का लाश पड़ा हुआ कुआं में। देखने से तो ऐसा ही लगता है कि 2-4 दिन हो चुका है, लेकिन 2-4 दिन होने के बावजूद भी अभी तक फादर को पता नहीं, ये बहुत ही गंभीर मसला है। इस पर मतलब कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन को भी, मानी फादर के ऊपर। बिल्कुल, इसमें खबर एकदम बिल्कुल कि इसमें प्रशासन ऊपर सारी जवाबदेही है कि बच्चा वहाँ तक पहुँचा कैसे, और स्कूल में किस कारण से मतलब बच्चा को बाहर आना पड़ा पहले। जब बाउंड्री बना है, सारे विश्वविद्यालय जितना हॉस्टल हैं इसमें से बहुत बड़ी बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शंभुदास, ग्राम लकाटा। सिस्टर प्लस फादर लोग इतना लापरवाही से बर्ताव करते हैं कि हम लोग ग्रामीण भी उसे अछूत हैं। हो न हो, यदि इस लाश के प्रति अगर हो तो कल स्कूल में जड़ देंगे, तला से जड़वा देंगे। चलिए ठीक है।